हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं पीसी गेमर्स टेक यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, बेसिकली आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला गाइस, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 5 न्यू एक्शन एडवेंचरस गेम्स फॉर योर लो एंड पीसी। मतलब गाइस, अगर आपके पास एक 2 या फिर 4 GB का भी पीसी रहेगा ना, तब भी आप इन सभी गेम्स को आराम से एंजॉय कर पाएंगे। उसके साथ में आप लोगों को इसके जो ग्राफिक्स है वो भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और गाइस इन सभी गेम्स की जो स्टोरी लाइन है वो तो काफी ज्यादा कमाल की। तो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को इस सभी गेम्स जरूर पसंद आएंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो फिर गेम्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाकर डन कमेंट जरूर कर देना। और गाइस, आप लोगों ने इस लिस्ट में से कौन सा गेम ट्राई किया उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर काफी सारे कमाल के वीडियोज आने वाले, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जो हमारे लिस्ट का 5th नंबर का गेम निकल कर आता है, इस गेम का नाम होने वाला है मिडल अर्थ। लेकिन गाइस, अगर हम लोग इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें ना, आपको इसमें काफी ज्यादा कमाल के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, उससे भी तगड़े वाले आप लोगों को इस गेम में एक्शन देखने को मिल जाती है। सो गाइस, बेसिकली ना एक आरपीजी कैटेगरी का गेम होने वाला है। इसमें आप लोगों को पूरे ओपन वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन का मौका मिलने वाला है। उसके साथ में आपके जो कैरेक्टर है उसके पास काफी ज्यादा कमाल के आप लोगों को सुपर पावर्स देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोगों को गेम में यूज करने के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपका जो कैरेक्टर होने वाला ब्लेड चलाने वाला, काफी सारे एनिमीज को मारने वाला है, आप लोगों को इसमें बहुत सारे मिशन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, ओवरऑल ये जो गेम है आप लोगों को थोड़ा सा गॉड ऑफ वॉर की वेव्स प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन गाइज, अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो आपके पास मिनिमम 3 GB रैम होना चाहिए, उसके साथ में आपके जो पीसी में अराउंड 44 GB का स्पेस फ्री होना चाहिए, तब आप इस गेम को आराम से इंजॉय कर पाएंगे। और गाइज, अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो आपके पास मिनिमम i3 का जो प्रोसेसर होता है, अगर वो होगा तो आप तो और भी ज़्यादा अच्छे से इस गेम को ट्राई कर पाएंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों को एक ओपन वर्ल्ड कमाल का RPG कैटेगरी का गेम ट्राई करना था तो गाइज ये गेम बहुत ज़्यादा तगड़ा है, आप लोगों को काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। तो गाइज, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो गाइज, चले अभी इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस, जो हमारे लिस्ट का 4th नंबर का गेम निकल के आता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइटल की तरफ से निकल के आता है, और गाइस इस गेम का नाम होने वाला है बैटमैन। आई होप गाइस आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में तो जरूर सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो गाइस, अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, उससे भी बढ़िया आप लोगों को इस गेम में स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ओवरऑल आप लोग इस गेम में एक बैटमैन का रोल प्ले करने वाले हो, आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाले मिशंस देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमाल की एक्शन देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला एडवेंचर्स आप लोग इस गेम में एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो गाइस, ओवरऑल गेम बहुत ज़्यादा कमाल का है, और इस गेम को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब गाइस, अगर आपके पास 1 या फिर 2 GB का भी रैम रहेगा ना, तब भी आप इस गेम को आराम से इंजॉय कर पाएंगे। इस गेम की साइज अराउंड 8 GB के आसपास है, मतलब आपके हार्ड डिस्क में 8 GB स्पेस फ्री होना चाहिए। तो गाइस, अगर आपके पास ये सभी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है तो गाइस आप लोग इस गेम को एंजॉय कर पाएंगे। और गाइस, अगर आप लोग बैटमैन के फैन हो तो इस गेम को जरूर ट्राई कर लेना, बिकॉज बैटमैन मूवी के सभी लेजेंडरी कैरेक्टर्स आप लोगों को इस गेम में देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो गाइस, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस, हमारे लिस्ट का 3rd नंबर का गेम होने वाला है, बहुत ज़्यादा तगड़ा और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि गाइस इस गेम की जो फ्रेंचाइज है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सो गाइस, जिस गेम के बारे में बात कर रहा हूँ उस गेम का नाम होने वाला है जस्ट कॉज 2। आई होप गाइस आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो गाइस, अगर हम इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस इस गेम के ग्राफिक्स थोड़े से कम है, लेकिन इसकी जो एक्शन और इसके जो एडवेंचर्स है किसी से भी कम नहीं, इतने ज़्यादा तगड़ा है आप लोगों को इसमें एक्शन देखने को मिल जाता है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एक ओपन वर्ल्ड एरिया एक्सप्लोरेशन का मौका मिल जाता है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाके आप लोगों को एक्सप्लोर करना है, मिशंस को कंप्लीट करना है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा तगड़े वाले वेपन्स होने वाले। तो गाइस, ओवरऑल गेम बहुत ज़्यादा कमाल का है, और गाइस अगर आप लोगों ने कभी जस्ट कॉज सीरीज का नाम सुना होगा तो गाइस आप लोग इस गेम को जरूर चेकआउट कर लेना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला एक्सपीरियंस ये गेम प्रोवाइड कर देगा। तो गाइस, अगर आपको भी इस गेम को ट्राई करना है तो मैं आपको इस गेम के रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। तो गाइस, आपके पीसी में मिनिमम 12 कोर प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम 3 या फिर 2 GB का भी रैम रहेगा तब भी चल जाएगा, और गाइस आपके पास मिनिमम 10 GB का स्पेस फ्री होना चाहिए, तो आप इस गेम को आराम से इंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, लोगों को तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये गेम ने प्रोवाइड कर दिया है, तो गाइस आप भी इस गेम को एक्सपीरियंस जरूर कर लेना। तो गाइस, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ।
तो गाइस हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर का गेम जो निकल के आता है ये भी बहुत ज्यादा बड़े टाइटल का निकल के आता है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है Assassin's Creed Black Flag। आई होप गाइस इस गेम के बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सो गाइस अगर हम लोग इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें तो गाइस इसमें बहुत ही ज्यादा तगड़े वाले ग्राफिक्स आप लोगों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाता है। उसके साथ में आप लोगों को काफी ज्यादा कमाल की स्टोरी लाइन इस गेम में देखने को मिल जाती है, बहुत ज्यादा तगड़ा वाला एक्शन देखने को मिल जाता है। और गाइस एडवेंचर की तो क्या ही बात करें, आप लोगों को आपकी शिप निकालनी है, सीधा सी एडवेंचर पे निकलना है, काफी सारे आप लोगों को ट्रेजर्स ढूंढने, बहुत ज्यादा तगड़े वाले मिशन को कम्प्लीट करना है। और गाइस ये गेम ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉपुलर है ना कि मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में क्या ही बताऊं, मुझसे ज्यादा तो आप लोगों को पता होगा इस गेम के बारे में। तो गाइस आप लोग इस गेम को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और गाइस अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो मैं आपको इसके रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। तो गाइस इस गेम को ट्राई करने के लिए आपके पास थोड़ा सा मतलब मिड रेंज का पीसी होना चाहिए, मतलब आपके पास i3 थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए, 4GB या फिर उससे ज्यादा का रैम होना चाहिए। और गाइस आपके पास जो वी रैम होता है मतलब जो वीडियो रैम होता है मिनिमम 512 रैम होना चाहिए, तभी आप इस गेम को आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस गेम को ट्राई किया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर आपको ये गेम पसंद आया तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस चलिए बेसिक साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस जो हमारे लिस्ट का फर्स्ट नंबर का गेम निकल के आता है बहुत ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा तगड़ा स्टोरी लाइन वाला गेम होने वाला है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है BioShock। आई होप गाइस आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि गाइस ये गेम भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और अगर हम लोग इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो इसके ग्राफिक्स काफी ज्यादा कमाल के, लेकिन इसकी जो स्टोरी लाइन है उससे भी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो गाइस आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा कमाल के एक्शन देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा तगड़ा वाला एडवेंचर आप लोगों को इस गेम में भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस बेसिकली मैं आप लोगों को इस गेम की थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आपका जो कैरेक्टर होता है प्लेन में ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन गाइस एक्सीडेंटली उसका प्लेन क्रैश लैंड हो जाता है पानी के अंदर। तो गाइस आपके कैरेक्टर के सामने बस एक ही लोकेशन दिखती है। तो गाइस अभी खुद को बचाने के लिए आपका कैरेक्टर उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और गाइस तभी से आपका गेम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उसके सामने इतने ज्यादा कमाल के एनिमीज आने वाले जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देने वाले। आपके पास काफी ज्यादा कमाल के वेपन्स होने वाले, लेकिन आपको उनसे बचते हुए पूरा वो जो लोकेशन है उसे एक्सप्लोर करना है, आप लोगों को वहाँ से एस्केप करना है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और गाइज मैं आप लोगों को थोड़ा भी स्पॉइलर नहीं देने वाला क्योंकि इस गेम की जो स्टोरी लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइज आप लोग इस गेम को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। और आपको एक गेम अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। और गाइज आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतने ही गेम्स थे। आई होप आप सभी लोगों को ये सब गेम जरूर पसंद आएंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो फिर गेम पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके डन कमेंट जरूर कर देना। और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइज, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर काफी सारे तगड़े तगड़े वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में कुछ और नए गेम्स कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।